चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। बीजेपी सरकार ने हमेशा खोसा है, लूटा है। अपमान भाई, हम किसी का नहीं मानते। हम जो है मान लो, हम तो हमें के चाह, हम युवा है, हम चाह नौकरी सरकारी, उसके बिना जो है काम नहीं चल रहा। तो यहाँ तो गुंडागर्दी है बहुत ज्यादा, खत्म हो गई। यहाँ तो खत्म किया, अब भी है तो परेशान कर रहे बहुत ज्यादा। क्या बता रहे थे, महंगाई कितनी बढ़ चुकी है? महंगाई भाई 80% बढ़ चुकी है जीविका। महंगाई घटवाओ और देश लाओ, देश को सुरक्षा में लाओ। अच्छा, क्या कारण रहा यहाँ कभी भाजपा जो है सत्ता में नहीं इस इलाके में? भाजपा यहाँ जो दंगा ना होता यहाँ भाजपा आ जाती। अरे जट्टू की देन है जो यहाँ भाजपा आएगी। सीसे में आप सभी का स्वागत है। हम अभी मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के खरड़ फुगाना अड्डे पे है, जो कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट में आता है। देश में अभी 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो हम अभी यहाँ के जो आसपास के जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनसे हम बात करेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर उन लोगों की क्या राय है, उनका क्या मानना है इस बार। जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। आपका नाम? विजय कुमार है जी। अच्छा कुमार जी, अभी इलेक्शन आ रहे हैं 2024 के, तो क्या लग रहा है इस बार आप मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से क्या देख रहे हो? हम तो मोदी के ही फैन, भाजपा की सीट आनी चाहिए बस, और क्या है। पिछले दो बार से लगातार जो है भाजपा की सीट आ रहे हैं, तो तीसरी क्या क्या काम हुए हैं, क्या क्या विकास हुए हैं इधर? काम तो भाई ठीक ठाक ही हो रहे हैं, सड़कें वड़कें भी अच्छी हो रही है और भी विकास चल ही रहे, गाँव में भी ठीक ठाक ही चल रहा है काम। कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई कोई बेकार काम हो रहा, सही काम हो रहा मोदी सरकार में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, रोड के अलावा बाकी क्या काम आपको उनके अच्छा लग रहे हैं? भाई जैसे गाँव में भी आपके खड़ंजे वगैरह पंचायत करके जो काम है वे सभी हो रहे हैं, और ये राशन वगैरह का तो चल ही रहा, आपको पता ही है। आपने राशन की बात की, लेकिन राशन प्रणाली तो काफ़ी समय से चलती हुई आ रही है। तो नहीं, अब से सुचारू रूप से मिल रहा, पहले से ही ढंग से नहीं मिला था, अब सभी को मिल रहा। अच्छा। अब ऐसा कुछ नहीं कि भाई मिल नहीं रहा किसी को। आपका नाम? सचिन कुमार। अच्छा सचिन कुमार जी, आप क्या देख रहे हो इस बार सीट से? सीट से मैं तो भाई देखो कांग्रेस की तरफ से बोलूँगा, बीजेपी ने क्या किया है मुझे तो ये बता दो पहले। तो ये भाई ने बताया कि सब काम सुचारू रूप से चला हुआ है। सुचारू रूप से पहले भी तो चला था, आज ही कौन सा अलग से चल गया। जो गरीब जनता थी वो पहले भी ऐसे ही थी, आज भी ऐसे ही है, और 10-12 साल से देख ही रहे हैं, 10 साल से। अब की बार फिर बदलाव करेंगे थोड़ा बहुत हो सके तो। नहीं, विकास आपको पसंद नहीं आ रहा है? विकास हो रहा है, रोड बन रहे हैं, राशन मिल रहा है, घर बन रहे हैं। मैं टैक्स देता हूँ ठीक है ना, इसी टैक्स से पैसा ले रहे हैं और इसी पे टोल लगा के फिर हमारे से ले रहे हैं, तो क्या विकास है? गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या किया है मैं तो ये पूछता हूँ, कोई भी मेरे को बता दे गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या किया है। नौकरी निकाल ली है कभी? 4000 वैकेंसी, 5000 वैकेंसी यूपी में, टीचर की वैकेंसी इतनी खाली है, यूपी पुलिस की इतनी खाली है, क्या किया है मैं पूछता हूँ, बताओ मेरे को जवाब दो कोई भी। अग्निवीर तो निकाल दिया है ना देश के, क्या फ़ायदा? 4 साल ऐसी तेसी करा के फिर इधर ही आ जाएंगे फिर। बताओ, मेरे हिसाब से कुछ नहीं किया गवर्नमेंट ने, बीजेपी सरकार ने हमेशा खोसा है, लूटा है। जो सरकारी कर्मचारी है उनको लूटा है, उनको दिया कुछ नहीं। भगत सिंह है जी। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में कुछ नहीं है जी, चुनाव में बात यह है जी, जो गरीब आदमी कोई पीट कर चले जा, गरीब आदमी कोई पीट कर चले जा, हम थाने में जावे जी, हम थाने में जावे। थाने में हमने अप्लीकेशन दे दी, रिपोर्ट लिख कर दे दी जी, लिख कर दे दी, मगर उन्होंने ऐसे ऐसे काम किया तो वहाँ कोई कार्रवाई नहीं है फिलहाल। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे राज्य में गरीब सबसे ज़्यादा सुरक्षित है आज के समय में, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सुरक्षित तो है जी वो तो बात ठीक है जी, पर हमने हमारे साथ मार पिटाई होगी थी। हाँ। फिलहाल कोई मतलब पहले प्रधान के पास में फ़ोन करते हैं ठीक, जिसका प्रधान है तो उसकी सपोर्ट चलेगी। गरीब आदमी कोई हेल्पलाइन नहीं है, जैसे अब हमें कोई मार पीट का चलेगा अड्डे पर, मैं भी अड्डे पे रहता हूँ फुगाना अड्डे पर, कोई वो वैल्यू नहीं है। आपका नाम? राम कुमार है भाई। अच्छा राम कुमार जी, चुनाव आ रहे हैं 24 के,
माहौल गरमाना शुरू हो गया। मुजफ्फरनगर सबसे हॉट सीट रहती है हमेशा। मान लो कितना ही देख, यहाँ तो लोक दल के पक्के हैं, लोक दल के रहने हैं। अच्छा, यहाँ दो चार तो नहीं रहते, यहाँ तो भाजपा ही आओगे कितना। भाजपा आ जाओ 14 बार, हमें कोई एतराज नहीं है, हम है पक्के लोक दल के। अच्छा, पहले से दूर से, और लोक दल की ही वोट देंगे। क्यों बाज जिसे भी ठावागा वो वोट हम लोक दल को देंगे। क्या काम पसंद नहीं आ रहेगा यहाँ संजीव भाई? काम तो बहुत बढ़िया कर रहा हो यार, क्यों खिलाफ कर रहा? हम नाज लो दी नहीं भाई वोट उसे। अच्छा, क्या कारण है क्यों नहीं देते? हम तो बंधे हुए हैं चौधरी साहब से। अच्छा, तो कोई भी उम्मीदवार आ जाओ, क्योंकि हरेंद्र मलिक की बात चल रही है, हरेंद्र मलिक आओगे वोट देंगे। अच्छा, और जहाँ लो उम्मीद है भाई होगा भी 100% होगा। जी सर जी नमस्कार। जी नमस्कार, आपका नाम? इंद्रपाल। अच्छा, 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो किसानों के हित में कैसी रही सरकार? किसानों के हित में थोड़ी कमजोरी रही भाई जी। कमजोरी रही। अच्छा, कमजोरी रही। क्या क्या दिक्कतें किसानों को हो रही है आज के समय? गन्ने के भाव की पूरी 100% उम्मीद थी, उन्होंने दिया ही नहीं है भैया। 2024 के चुनाव आ रहे, बस सरकार कुछ ना कुछ 10 रुपये 5 रुपये कुछ बढ़ावा की बढ़ रहा है नहीं है भैया। तो आप क्या देख रहे हो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से इस बार सर? हम तो छपरौली विधानसभा के आदमी हैं। अच्छा, चलो चुनाव तो पूरे देश का ही होता है, तो क्या लग रहा है सत्ता वापिस रिपीट करने की आप सोच रहे? तो आई जाएगी तो भैया, और पार्टी में दमी न रहे किसी में से। अच्छा, कमजोर पार्टी बन। लेकिन एक तरफ इंडिया गठबंधन में 26-27 पार्टियां है, वो भी वे तो काम ही ऐसा कर रहे हैं, रोज उनकी मजाक उड़ा है रोज है भैया। गठबंधन में फूटी हो जाएगी शायद चुनाव में। अच्छा, अगर गठबंधन मजबूती से लड़ता है फिर आपको क्या लगता है, हो पाएगा बदलाव? थोड़ा बढ़ सका है थोड़ा, पर सत्ता में तो आने की मुश्किल है। अच्छा, युवा तो कहीं भी नहीं आ रहा भाई, युवा तो यहीं फिर है रोड पे, फिरते नहीं देखा नहीं है रे युवा कहाँ के हो रहा, ना किसी को नौकरी मिल रही। अच्छा, छोले पेमिट है शाम लीप का धरना उठा, अभी रुपये नहीं दिए अग्निवीर 4 साल के मरण के नाम का कौन जाएगा वहाँ भाई? इन्हें तो बता, 21,000 में कौन जाओगे मरण के नाम का? छुट्टी भी 1.5 साल में दे, बताओ। एक महीने लोग का धरना रहा, बिना रुपये दिए सामने मिल रहा, इब भी कह दिया बोला नहीं गंडे गिर और गिरने पड़ेंगे लोगों को आ जाके बिना रुपये के। दिखा रहे बोला यूपी पुलिस की भर्ती आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी, आते आते को तो साल भर हो गया, पिछले साल आवा थी इब लो तो नहीं आई, इलेक्शन हो जाएगा आने की नहीं रे? नहीं, इलेक्शन से पहले तो बहुत सारी नौकरियां शिक्षक की कह रहे निकालेंगे, अभी निकाल लेंगे। लिकड़ी तो नहीं? अच्छा, बता लिकड़ी हो कोई बताए लो। 2 करोड़ तू पूरे 5 साल की उसमें दिखा दे योजना में, 2 करोड़ जो किसी को मिली हो नौकरी, और घटा लग रहे भाई ये तो। जी भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम हर्ष मलिक। अच्छा मलिक साहब, हो आप, क्या लग रहा है इस बार? कल साक्षी मलिक ने भी इस्तीफा दे दिया, जो एक पहलवान थी। हाँ, पहलवान ने इस्तीफा दिया, उसके साथ बुरा करा गया, सारे जो उसका मतलब विधायक था, वो क्या नाम था भाई इसका, ब्रजभूषण था भाई, उसने उसके साथ शोषण करा, गलत काम करे, और उल्टा उसे बलगी विधायक पद पर तो हटाया गया, पर फिर उसे साक्षी मलिक कुछ का सम्मान नहीं दिया गया, सारी चीज़ उसकी माननी नहीं गई, जो माननी चाहती वह एक हमारे लिए भाई प्रेरणादायक वो है, उसने मेडल जीत रखा ओलंपिक का, और उसके साथ ऐसा हो रहा तो हम तो है ही क्या, फिर हमारे साथ भी बुरा ही हो रहा। खैर, हमारे भी 18+ होली, हम एयरफोर्स में जाने का सपना, हमारा आर्मी में जाने का सपना सब टूट रहा, कौन जा 4 साल के नाम का। बाकी बाद में आके अगर भाई वो फंड ले जाइए, वो कर लियो, क्या कर लेगा उस फंड से फिर? आप जाट हो? हाँ जाट है। अभी लोकसभा में जो है वो धनखड़ जी थे, उन पर एक उन्होंने सांसद 141 सांसद टोटल जो है राज्यसभा से निलंबित किए गए, लेकिन अगर उसकी मिमिक्री कही तो उसको बोला गया कि मैं जाटों का अपमान है, कि आप उसको अपमान मानते हैं? अपमान भाई हम किसी का नहीं मानते, हम जो है मान लो हम तो हमें के चाह हम यू है, हमें चाह नौकरी सरकारी, उसके बिना जो है काम नहीं चल रहा। आपका नाम? अजय शर्मा। अच्छा शर्मा जी, क्या लग रहा है इस बार भाई, जब अगर देश को कोई मेडल जीत के लाता है तो वो देश की बेटियाँ हो जाती है, लेकिन अगर वो धरने या अपने प्रदर्शन करते हैं तो उनको एक कम्युनिटी का नाम दे जाए कि ये तो जाट एक कम्युनिटी बैठी है बस। बिल्कुल भाई, मैं बताऊँगा सिस्टम है ऐसा ना, सब ये रोजगार तो करते खत्म, तुझे पता इस बात का, और सारा देश को पता, हम भी रेस कर अगर दे अग्निवीर 4 साल की करती, लंबे की नौकरी लग जाती, 15 साल का तो हो जाता कम दम पर गया, कुछ नहीं ना, सब नौकरी खत्म कर दी यार, फिर भी सरकार लोग बाकी नहीं वोट देगा राज्य, और बनेगी सरकार इनकी भाजपा की, क्या कारण नजर आ रहा है सरकार जो है इतना मतलब? तो जा भाई जैन चौधरी जीते हैं, और क्या बता। अच्छा, यहाँ से संजीव बालियान जी सांसद है, और आप दूसरे गठबंधन से किसको उम्मीदवार देख रहे हो? हम तो जैन चौधरी को मानते हैं भाई, जैन चौधरी जीते हैं।
मिट्टू क्या बात पूरा गरमा से रह के बात होगी? नहीं नहीं गरमा नहीं, ये भाव ही ऐसा है, सुबह बोली थोड़ा है। क्या लग रहा चुनाव संजीव बालियान का काम कैसा लगा इनका? बालियान का संजीव का हाँ हाँ ये बताओ सरकार इनकी इनका धंधा जो कुछ किसी मन में ये कर ले बस। अच्छा ताना साही चल रही क्या? बताना साही चल रही है, हम तो अपना फायदा चाह, हम तो किसान आदमी हमारा फायदा करे, कुछ उद्योग करे, कुछ हमारे जिले में तरक्की करे। तरक्की हो तो रही, रोड बन गए, रोड बनने तो सरकार बना रही, बिजली फ्री कर दी थारी, हमारी बिजली तो फ्री, हम तो बिजली लग रही है। कह रहे भाई बिजली फ्री कर दी हमने? ये कह रहे होंगे, हम बिल दे रहे, हमारे थोड़ा पर्ची है, रसीद है, मेरे थोड़ा मैं बिल दे रहा, मेरा गुरु मीटर लगा हुआ है, मैं बिल दूँ, बिजली फ्री नहीं। चलो सारी छोड़ो, राम मंदिर तो बन गया, और क्या चाहिए? नहीं वह बात बढ़िया, काम बढ़िया कर रही, मानू नहीं कह रहा, बुरिया नहीं कर रहा, ना मोदी की ना योगी की, बस एक ही जगह धोखा खा गए वे। या मैं दिल्ली में भी बात कही थी, मेरी वीडियो वायरल है, और एक ने नहीं कई लाख करोड़ आदमी ने देख ली, वाह ये किसान के और मजदूर के बारे में भूल गए। अच्छा। दोनों बेस्ट तो गए, ये आदमी सही है, बढ़िया काम कर रहे, देश बना दिया, बॉर्डर पर सारे को सुरक्षा है देश की, हम खुश हैं इस बात पर, पर ये तो गरीब जनता को भूल गए, जैसा कि किसान है मजदूर है बेचारे, मजदूरी जब किसान को फायदा नहीं होने का, मजदूरी कहाँ तक दे देंगे हम उसे? गंजे का बाज हजार का होना चाहता था, महंगाई को देखू के दे रहे, ये 10 रुपए भी नहीं बता दे, गेहूँ ऐसे साढ़ छोड़ दे रहा तू, वहाँ पड़े में हम पड़े रहे बाहर 5 साल हो लिए, मुझे वहाँ ठिटर तू देखा कि ना देखा, पूरी रात ड्यूटी चला है, पूरी रात ड्यूटी। नमस्कार जी सर, आपका नाम? ये नाम तो भगवान का जितेंद्र कहते हैं। अच्छा, चुनाव है, क्या बदलाव आया जिंदगी में 10 सालों में? लो जी बढ़िया बढ़िया, राजी काम क्या हो रहा? सही काम हो रहा, पर हमारे आगे अड्डे पे यहाँ से कोई यहाँ तक गुंडा करती है बहुत ज़्यादा, खत्म हो गई यहाँ तो, खत्म किया दारू पड़ू, अब जा दारू पड़ वाले पीने पान, अब भी है यहाँ तो परेशान करे बहुत ज़्यादा, कोई यहाँ तो पैसे भी नहीं, यहाँ तो चाकू छुरे चले। अच्छा हाँ जी, लेकिन वो तो कह रहे हैं हमने सुरक्षा दे दिया, ये जिन चूते को हाथ में तो हमने फोन दे रखा ना, ये तो नेसड़ी है। अच्छा। अब मैं किसी से दबता नहीं, ना मैं रखता दबका किसी से बड्डे पर यहाँ तो चक्कू छुरे चले, हम दिन वाल बच्चे को छोड़ दूँ, बजना मौत करते हैं। हाँ जी मैं चोत, एक मजदूर आदमी अपना गुजारा कैसे कर पा रहा है? महंगाई भी है, बाकी आप जो बता रहे हो कि भाई हमें दिक्कतें होती है, तो कैसे गुजारा कर पा रहा है, आप कैसे कर पा रहे हो जी? गुजारा दिन है, अपना गाय तड़ी भैंस तड़ा कर रही है, और क्या कर रहा है, महंगा ज्यादा है, ये सब्जी तो खा रहे हम, चटनी तो खा रहे, रुखी खा ले, और क्या जी? आपका नाम भाई? अनिल कुमार जी। क्या बता रहे थे, महंगाई कितनी बढ़ चुकी है? महंगाई भाई 80% बढ़ चुकी है जी, महंगाई घटवाओ और देश लाओ, देश को सुरक्षित लाओ। अच्छा, लेकिन कह तो रहेगा देश सुरक्षित हाथों में है फिलहाल, जो चीज़ें चल रही है, और एक गरीब आदमी को राशन भी फ्री मिल रहा है, मकान बन रहे हैं, मेडिकल हेल्थ मिल रही है, राशन तो काम चला के, बिजली के बिल भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, राशन तो वो हो रहा है, तो महंगाई घटवाओ जी, भी तो सरकार आवेगी, वरना बदल दोगे हैं? बदल दोगे ऊपरली सरकार, ऊपरली प्रधानमंत्री के पद पर कोई सही उम्मीदवार नहीं है, यानी सरकार पलट जाती। अच्छा, मुजफ्फरनगर से क्या देख रहे हो आप इस बार? मुजफ्फरनगर तो देखो भाई जैसा माहौल होगा इसी बात करोगे, किस कैश क्या लग रहा है फिर भी आप जैसे जगह जगह पर? जैन चौधरी की गैली, जैन चौधरी की गैली रहेंगे गठबंधन के साथ। पहले तो ही हमारा इलाका सब जयंत की गैली है पहले से ही, हम तो ठोकेंगे भाई उसे, यहाँ लड़के को जो भी आवेगा, यहाँ तो चौधरी चरण सिंह की देन है, जो 5-4 मील मिल गए उसी की देन है, लेकिन मोदी कौन कितना जाने आज जाने, आम पब्लिक तो ऐसा आज ही जानी, योगी को मोदी को आज ही जानी आम पब्लिक तो, अन्य तो कितने जाने आयु। अच्छा, क्या कारण रहा यहाँ कभी भाजपा जो है सत्ता में नहीं इस इलाके में? भाजपा यहाँ जो दंगा ना होता, जो दंगा ना होता यहाँ भाजपा आ जाती, अरे जट्टू की देन है जो यहाँ भाजपा आएगी इस बार तो, मतलब खाली जाट टूट का पड़े सारी गठबंधन इब्जा मान लिया, अगर उस टाइम पे मुलायम सिंह यहाँ कुछ कर जा या जाट्टू की सुनवाई कर जा, किसी की भी 36 विराज में मत है हमारी मत है, किसी की भी सुनवाई कर जा, तो यहाँ ही वो काम होता। तो इस बार लग रहा है दंगा होगा या नहीं? कौन इस बार दंगा होगा या नहीं? नहीं दंगा तो यहाँ कदी भी नहीं होने का, यहाँ तो
जीवन में भी दंगे का नाम लेने का यहाँ आदमी भाईचारा है। दस साल पीछे पूछा दिया इस दंगे ने, तो जिस घर में 376 मुकदमे है मेरे गांव में। कौन सा गांव से हो? यहाँ से ही, भुगाने से ही। 376 मुकदमे है मेरे गांव में। उनका जाकर देख, कोई 4 लाख देकर फैसला कर रहा, कोई 5 लाख देकर कर रहा, कोई मंत्री नु कह रहा मैं फैसले करवा दिए, योगी नु कह रहा मैं मुकदमे उठवा दिए। बता कौन से उठवा दिए? मेरे पे है 2 मुकदमे, आज तक नहीं उठे हुए। ये कहते कल तीसरी योजना है यार, तीसरी योजना आ रही। इब तीसरी आ जाएगी, तीसरी में भी देख लेंगे कि देख सरकारी तो लिए नहीं गए इन पर, जो इनके हाथ में, खुद कोर्ट इनके हाथ में, सब चीज़ इनके हाथ में। बताओ, बस मुद्दा बना रहे हैं, एक मुद्दा है। वैसे कहते हैं एक भाई हमने मुकदमे उठवा दिए, पेपर में रोज हेडलाइन कटवा रहे, हमने इतने मुकदमे उठवा दिए, ये करवा दिए। बता कौन सा मुकदमा उठवा दिया? हमारे साथ बात करवा, हम दंगा पीड़ित है। आपस में भाईचारा बिगड़वा दिया हमारे तो। बिल्कुल भाई, काफ़ी समय से मतलब यहाँ पे साथ ही रहते आ रहे थे गाँव में। ताना शाही की सदा किसी की नहीं चली। एक और सुन ले, यहीं कर ले मेरे डरों को भी। कभी भी हमारे यहाँ भाजपा नहीं आई आज तक, ना अवर 10 साल तो राज करगी। हाँ, या करगी, क्यों करगी? अरे नहीं, वोट नहीं दी यार हमने। हाँ वोट दी जी भी, तो क्यों करगी यार? यूँ झगड़ा हमारे क्षेत्र से ही तो भाजपा बनी। हम आपस में भिड़ा कर सुन, अगर यहाँ दंगा ना हो तो भाजपा आ जाती। क्या मतलब? पूरी लहर फैली यहाँ से ही। कहाँ से फैली? जिला मुजफ्फरनगर से। अरे काम फुगाना नंबर वन रहा इस झगड़े में। फुगाना रहा, संजीव बालियान का कुट भी रहा। 60 लाख बाहुड़ी, हाँ ये सब लाख निशाद। पर उन आदमी तो जाएगा पूछे, कभी आएगा पूछे यहाँ? भाई तम भी उनकी सरकार बनाओ, कम उनका घर में जाओ, उनके आने पूछे। बस हरी गल, क्या अत्याचार हुए, क्या हुआ, क्यों क्यों कर हुआ? उसमें हर तबके का आदमी आ जा। हम अभी मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के खरड फुगाना अड्डे पर थे। यहाँ पे हमने जो है आसपास के गाँव के लोगों से बात की, तो सभी ने अपनी राय रखी। जुड़े रहे सीसी से, यूपी से खबरें आप तक आती रहेगी। धन्यवाद।